तो अभी आप फोन पे को जब अपडेट कर लिए होंगे, तो अपडेट करने के बाद कुछ यहाँ पे जो आपका एरो का निशान दिख रहा होगा वहाँ पे कुछ फोन पे जो अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन होता है यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम वही बताएंगे आपको कि फोन को जब फोन पे को अपडेट कर लेते हैं तो इसको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता था हमें बैंक अकाउंट ऐड करने का, माई अकाउंट का, यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है। तो इसको हम कहाँ से अब ऐड करेंगे, कैसे बैंक अकाउंट को हम ऐड करेंगे, इसी के विषय में हम जानेंगे। तो कहीं भी आप देखिए स्क्रीन पर, कहीं भी देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हटा दिया गया है। अपडेट करने के बाद यहाँ से हटा दिया गया है, तो हमें नया जो बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ रहा है, या तो हमें यूपीआई पिन रिसेट करना होगा या तो सेट करना हो रहा होगा। तो हम कैसे करेंगे इसी के बारे में हम आज बताएंगे और पूरा वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप भी अगर ये प्रॉब्लम से झेल रहे हैं तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ से इसको ओके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, ओके गॉट इट करके इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वो हट चुका है, वहाँ से जो यहाँ पे अभी ऑप्शन था वहाँ से हट चुका है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन वहाँ पे आ चुका है। तो अब चलेंगे ऊपर वाले डॉट पे, आप ऊपर सबसे ऊपर डॉट पे आपको क्लिक करना है। ऊपर डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो थम अपना प्रोफाइल फोटो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसा निकल के आ रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखिए व्यू ऑल पेमेंट ये वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा एक कार्ड पहले से ऐड है, तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑल पेमेंट, इसको आपको क्लिक करना है। व्यू पेमेंट मेथड को आपको इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी कार्ड आपके ऐड होंगे वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अकाउंट ऐड करना है तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, ऊपर में आपको ऐड दिया हुआ है, उसको आप ऐड को वहाँ से क्लिक कीजिएगा। ऐड को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप जितने भी बैंक होंगे सभी आ जाएंगे। अब आपके जो भी बैंक होंगे यहाँ पे आप वो बैंक को क्लिक कर लीजिएगा, अपना बैंक सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए मेरा बैंक के से शुरू होता है, कर्नाटका बैंक शुरू होता है, तो मैं के से कर्नाटका बैंक को ओके कर लूँगा। अब देखिए मेरा फाइंड अकाउंट हो रहा है, लिंक हो रहा है मेरा, देखिए अब यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर लिंक हो चुका है, मेरा यहाँ पर पिन भी सेट हो चुका है। तो ऐसे आप करके न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अब अगर यहाँ पर रिसेट पिन करना चाहेंगे तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रिसेट पिन नहीं करना है, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे डन करके यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मेरा दो कार्ड ऐड हो चुका है, देखिए एक ये कार्ड है और एक्सिस का, एक कर्नाटका का मेरा कार्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो कि एक्सिस बैंक मेरा देखिए प्राइमरी अकाउंट है और कर्नाटका बैंक सेकेंडरी है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके अपने फ़ोनपे में अपने अकाउंट को जोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत इजी तरीके से आपको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन वहाँ से हट गया, जहाँ पे जो माई यूपीआई का एक्सेप्शन था वो हट गया है, अब यहाँ पे माई जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन डाला है इसलिए अभी नहीं होगा, आपको नया पोजीशन से जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप बैंक को ऐड कर लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।